हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.1। ठीक है, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ये जो दिया गया है, कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनको नंबर में लिखना है, और वो भी किस में लिखना है, इस टेबल के अंदर लिखना है। ठीक है, और ये प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं कि जैसे एक होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, 10,000, लाख, ये सब आप जानते हैं ना। और इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये भी बताए थे कि वंस के इस तरफ क्या होता है, ये आप सिक्स क्लास में पढ़ेंगे आप ना। तो वंस के इस तरफ होता है एक पॉइंट, और पॉइंट के बाद होता है टेंथ्स, हंड्रेड्स, मतलब टेंथ्स, ये क्या है, टी एच एस वाला टेंथ्स है ये। ठीक है, ये क्या है, वंस के बाद यहां जो आता है वो टेंथ्स है, ये है टेंस, और ये क्या है, वंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। लेकिन पॉइंट के उस तरफ जो होता है वो हमारा किसी एक वन का जो है दसवां हिस्सा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं टेंथ्स। और इसको लिखते कैसे हैं, वन अपॉन टेन, इसको बोलते हैं वन टेंथ्स, और इसको बोलेंगे हंड्रेड्स, इसको क्या बोलेंगे, हंड्रेड्स, टी एच एस लग जाता है। ठीक है, पॉइंट के उस तरफ वाले में टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सब में टीएचएस लगता है। ये चीज आप इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेना, तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसको फिल करते हैं। हंड्रेड्स है, दो है ना, ए और बी, इसमें हम लोग ए वाला नंबर लिखेंगे और सेकेंड वाले में बी वाला नंबर लिखेंगे। हंड्रेड्स वाले कॉलम में ए में कितने हंड्रेड्स हैं, तो ए वाला फिगर यही इतना तो है, इसमें हंड्रेड्स दिख ही नहीं रहा है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे उसको। हंड्रेड्स बाद क्या आता है, टेंस, तो टेंस इसमें है ना, हंड्रेड्स नहीं है, हंड्रेड देखो इस वाले में है, बी वाले में, ये पूरा हंड्रेड्स है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, अगर ये हंड्रेड बॉक्स हो जाएंगे तो हंड्रेड्स हो जाएगा, और टेन बॉक्स है तो टेंस होगा, यही वाले छोटे वाले बॉक्स, ये एक वन बॉक्स है कंप्लीट, इसको बोलेंगे वंस ना। और यही बॉक्स अगर 10 हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया तो ये हो गया टेंस। कितने टेंस हैं, 1 2 3 3 टेंस है ना, तो टेंस कितने हैं, 3। फिर आता है टेंस के बाद वंस वाला कॉलम, वंस कितने हैं, वंस तो एक ही है ना, यही तो वंस है हमारा 1। अब आता है टेंथ्स, टी एच एस, ये क्या होता है, इसी वंश का दसवां हिस्सा होता है ये, तो टेंथ ये वाला हिस्सा है, इसको हमने 10 पार्ट में छोटा छोटा इसको हमने काट लिया है चिप्स की तरह इस बॉक्स को। ठीक है, 10 पार्ट में हमने काट दिया, तो 10 पार्ट में से जो एक पार्ट होगा इसी को बोलेंगे टेंथ्स, टेंथ्स मीन्स 10 में से एक, तो ऐसा कितना है 10 में से एक, टेंथ्स तो दो है, 1 2, यानी टेंथ्स है हमारे 2। ठीक है, और ये तो हमने टेबल में लिख दिया ना, और टेबल में करना भी है, अगर आपको टेबल के बाहर लिखना हो इसको तो कैसे लिखेंगे हम, ये भी आप लोग समझ लो, इसी क्वेश्चन में है नहीं आपके क्वेश्चन लेकिन समझ लो, जैसे अगर टेबल के बाहर इसको लिखना हो तो टेंस हमारा है 3, तो 3 टेंस हो गया, वंस है 1, 1 वंस हो गया, उसके बाद है टेंथ्स, टेंथ्स जो आता है वो डेसिमल के बाद होता है, तो डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस होता है वही टेंथ्स का होता है, तो टेंथ्स कितने हैं, 2 ना, ऐसे इसको लिखेंगे, यानी वंस के बाद यहां पर हमारा होगा पॉइंट, तब जाके वो आएगा, आपको वो नहीं करना है, आपको इतना ही करना है। बी वाले में देखिए हंड्रेड्स कितने हैं, बी वाले में यही है पूरा हंड्रेड्स ना, तो कितने हंड्रेड्स हैं, एक ही तो है कुल मिलाकर, तो 100 है। हंड्रेड्स बाद आता है टेंस, इसमें टेंस है, हाँ ये वाला है ना, कितने टेंस है, एक ही तो है, 1 टेंस है, और उसके बाद आता है वंस, वंस यहां पर एक भी नहीं दिख रहा है, ये छोटा वाला जो बॉक्स है एक टुकड़ा, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो वंस है ही नहीं। अगर नहीं रहता है बेटा ना, देखो जैसे इधर नहीं था हंड्रेड्स तो हमने उसको छोड़ दिया, नहीं लिखा, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट हो गया और बीच में अगर कुछ नहीं पड़ रहा है तो हमको वो लिखना पड़ेगा, नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, 0। ये स्टार्टिंग में था तो 0 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा ना, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है यहां से, तो इसके आगे अगर कुछ नहीं है वंश
तो हमको वो अपने मन से लिखना पड़ेगा, एक भी नहीं है तो जीरो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी जीरो लिख सकते हैं, लेकिन इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है ना। देखो 31.2 के आगे हम जीरो लगा दें तब भी वो 31.2 ही है, इस जीरो कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन अगर इसी के बीच में अगर हम एक जीरो लगा दें तब उसका मतलब हो जाएगा, वो 301 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरफ जीरो वैल्यू नहीं होता है, ये हम लोग जीरो कॉन्सेप्ट ही पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। तो वंस एक भी नहीं है तो जीरो लिखेंगे। टेंथ्स कितने हैं? टेंथ्स ये वाला है 1 2 3 4, 4 टेंथ्स हैं, ये आपका हो गया है आंसर ना। और इसको अगर बॉक्स के बाहर लिखेंगे, टेबल के बाहर, तो कैसे लिखेंगे? 100 है, 1 10 है, और वंस है भी नहीं। तो जब वंस नहीं है तो उसको हम क्या लिख देंगे? जीरो वंस, क्योंकि 100 के बाद टेंथ आता है, टेंथ के बाद वंस आता है, वंस नहीं है तो हमने जीरो लिख दिया। अब उसके बाद आता है पॉइंट, अब पॉइंट के बाद आता है टेंथ वाला प्लेस, THS वाला, तो टेंथ कितने हैं? 4, तो 4 टेंथ हो गया ना। अगर टेबल के बाहर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया एक बार दोबारा देख लेना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तब तक के लिए जय हिंद।